हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। एक बार फिर हाजिर हूँ विश्व का भूगोल लेकर। जी हाँ, पहली क्लास में हमने विश्व के भूगोल का सामान्य परिचय, जियोग्राफी की परिभाषाएं तथा अन्य चीज़ें की थी। जो रेखाएं हैं, समदाब रेखाएं, समताप रेखाएं तथा प्रमुख मेजरमेंट जो मापने वाले यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम अक्षांश और देशांतर डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिर अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो हम यहाँ पे जानेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये क्या हैं, किस तरह से हैं और कैसे इनकी मापन होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो किसी भी स्थान की अवस्थिति को अक्षांश व देशांतर द्वारा अध्ययन किया जाता है। कोई भी स्थान है, आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर में, यानी कि भारत के आप किसी शहर में निवास करते हैं, तो वो शहर का नाम तो अपनी जगह है लेकिन आप उसको कैसे जानेंगे किस स्थान पे है, तो वो आपका सटीक बताने के लिए अक्षांश व देशांतर ही है। जो आप मैप में देखते हैं, कोई भी मैप होता है, जो जीपीएस होता है वो इसी के माध्यम से होता है, अक्षांश व देशांतर के माध्यम से काम करता है। जब आप मैप में कोई भी स्थान जहाँ पर नाम नहीं होता वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अक्षांश व देशांतर लिख के आता है किसकी जो पोजीशन है वो कितने अक्षांश व कितने देशांतर हैं। तो यही चीज होती है, तो यही अक्षांश व देशांतर होता है। तो किसी भी स्थान की अवस्थिति को अक्षांश व देशांतर के द्वारा अध्ययन किया जाता है। किसी भी स्थान की अवस्थिति, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी स्थान की अवस्थिति, किसी भी स्थान की अवस्थिति का अध्ययन, अवस्थिति का अध्ययन अक्षांश व देशांतर रेखाओं के माध्यम से किया जाता है। याद रखिएगा, किसी भी स्थान की अवस्थिति को जानने के लिए अक्षांश व देशांतर रेखाओं का अध्ययन किया जाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। चलिए हम सबसे पहले हम आपको मैप में बता देते हैं। मैप क्या, हम पहले आपको कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी ठीक ऐसे ही है, गोलाकार नहीं है। पृथ्वी क्या है, यहाँ पे यानी कि ध्रुवों की ओर चपटी तथा जो है विषुवत रेखा पे उभरी हुई है, ठीक ऐसे जैसे हमने बनाया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चपटी हुई है। अब अक्षांश व देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं ये आपको जानना है। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी के इस बीचों बीच जो है यहाँ पे जो लंबवत रेखा है उसे आप क्या कहते हैं, इसे जो बीचों बीच है, जो जीरो डिग्री है इसे आप विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसी को जो केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर जो इसके उत्तर की ओर, इसे आप इसके ऊपर के भाग को इसे कहेंगे आप उत्तरी अक्षांश, यानी कि हम यहीं पे लिख देते हैं उत्तरी अक्षांश। और इसे कहेंगे दक्षिणी अक्षांश। तो जो विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, जो विषुवत रेखा के जब उत्तर की ओर जाएंगे तो वो उत्तरी अक्षांश, और उसके दक्षिण की ओर जब जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश है। अब इसी विषुवत रेखा को केंद्र मानकर इसके ऊपर यानी कि इसके उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर खींची गई समानांतर रेखाओं को ही अक्षांश कहा जाता है। अब ये अक्षांश रेखा हो गई। अब ये जितनी भी रेखाएं इस पे खींची जाएंगी इसके समानांतर वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। ये सारी उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी। अब एक चीज यहां पे जानना आप सभी के लिए जरूरी है,
क्या जानना जरूरी है कि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा जो होती है वो लाइन सबसे लंबी होती है, यानी कि सबसे लंबी जो अक्षांश होती है विषुवत रेखा होती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कहलाएगा उत्तरी ध्रुव और ये हमारा यहाँ पे बिंदु कहलाएगा दक्षिणी ध्रुव। आप मैप के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, दक्षिणी ध्रुव। अब जैसे ही आप विषुवत रेखा से उत्तर की उत्तरी ध्रुव की ओर या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो इस रेखा की लंबाई है यानी कि अक्षांश रेखाओं की लंबाई है वो घटती जाती है। अब हम आपको बता दें यहाँ पे आपको जानना है कि ये डिस्टेंस जैसे ही आप यहाँ पे बढ़ेंगे ये घटती जाएगी और एक जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव ये एक बिंदु का रूप ले लेगी, बिंदु का रूप ले लेगी और ये हर एक डिग्री पे इसको खींचा गया है, यानी कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से ये 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे तक जाती है। अंतिम बिंदु होता है, ये बिंदु हो जाता है, ये रेखा नहीं कहलाती है। इसलिए अगर हम बात करें आप 90 इधर मान लें और 90 इधर मान लें और ये मान लें तो कुल मिला के जो अक्षांश की रेखाएं हैं, अक्षांश रेखा वो कुल मिला के कितनी हैं परीक्षा में पूछ लेता है। अक्षांश रेखा कुल मिला के 181 हो गई, अगर कुल पूछ लेता है तो 181 हो जाएंगी, यानी कि 90 ये यहाँ से एक से लेके यहाँ तक 90 तक और एक से यहाँ से लेके ये 90 तक होंगी, यानी कि 181। अगर मान लेता है ये दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बिंदु हो जाते हैं, तो अगर बिंदु को आप घटा देंगे यानी कि अगर उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को घटा देंगे यानी कि -2 हो जाएगा यहाँ पर, तो -2 बराबर 179 रेखाएं हैं और कुल की बात करें तो 181 हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। याद रखिएगा कर्क रेखा मकर रेखा। अब यहाँ पे और आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे 23.5 डिग्री के बाद आप 66.5 डिग्री की ओर जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में जब आप बढ़ेंगे 66.5 डिग्री या इसे 66.5 डिग्री या 67 डिग्री आप दोनों कह सकते हैं, जब यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो ये आपका क्या कहेगा, आर्कटिक वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और नीचे क्या कहलाएगा, ये 66.5 डिग्री पे आप जैसे ही पहुँचेंगे या 67 डिग्री पे इसे अंटार्कटिक वृत्त कहलाएंगे, अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। ये यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो उत्तरतम बिंदु होगा पृथ्वी का वो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में हमेशा बर्फ जमी होती है, आर्कटिक वृत्त भी हमेशा बर्फ से जमा होता है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त हमेशा जो है बर्फ से आच्छादित रहता है, जबकि आर्कटिक वृत्त भी हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है। आर्कटिक वृत्त में बात करें कुछ देशों की तो आप देख सकते हैं रूस का कुछ भाग आता है ऊपरी भाग, कनाडा का भी उत्तरी भाग, उत्तरी अमेरिका का अलास्का तथा जो ग्रीनलैंड है ये इसके उत्तर की ओर पड़ता है आर्कटिक वृत्त के, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी पाई जाती है। तो ये हो गया कुछ बेसिक। अब यहाँ पे हम आप जान लें, हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच जैसे कि ये 0 डिग्री और 1 डिग्री, यहाँ पे हम एक और रेखा खींच लेते हैं, इसको मान लीजिए ये 0 डिग्री है और ये मान लीजिए 1 सेकंड के लिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री रेखा। अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगी ये भी परीक्षा में पूछ लेता है। तो जो औसत दूरी है यानी कि जो 0 डिग्री से 1 डिग्री यानी कि 2 डिग्री के बीच में औसत दूरी जो है, औसत दूरी क्या होगी, यहाँ पे हम नोट किए दे रहे हैं,
औसत दूरी क्या होगी? औसत दूरी एक सौ ग्यारह किलोमीटर, यानी कि दो जो है दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर। अब यहाँ पे परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि क्या ये जो होती है समान होती है? नहीं, ये विषुवत रेखा पे ये दूरी जो होती है कम होती है, और जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे ये बढ़ती जाती है। यानी कि विषुवत रेखा की अगर हम बात करेंगे तो ये 110.6 किलोमीटर है, और वहीं जो ध्रुवों पर है तो ये 111.7 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आप हम नोट कर लेते हैं, यानी कि विषुवत रेखा पे 1 डिग्री पे 111 किलोमीटर औसत है, विषुवत रेखा पर दूरी 110.6 किलोमीटर है। और वहीं पे विषुवत रेखा की बात करते हैं तो कर्क या ध्रुवों पर, दूरी बढ़कर 111.7 किलोमीटर है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये हम दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, चाहे आप उत्तरी ध्रुव में चाहे जाएं, चाहे दक्षिणी ध्रुव में जाएं। यानी कि अब आप समझ रहे होंगे कि जब हम उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो विषुवत रेखा के जो उत्तर की ओर है उसे उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और विषुवत रेखा के जो दक्षिण की ओर है उन्हें हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका हो गया है, क्या हो गया है इसको आप नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में जो है अक्सर जो है प्रश्न पूछ लेता है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। ये भी जान लीजिए, ये जो डिस्टेंस है या ये डिस्टेंस है, इन दोनों की दूरी को क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। तो ये आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विषुवत यानी कि जो अक्षांश की हो गई, ये हमारी हो गई। अक्षांश किन्हें कहते हैं? अक्षांश जो है दो विषुवत रेखा से के समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको हम एक चीज़ और बता दें कि विषुवत रेखा पे अब हम सूर्य से कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको देते हैं तो सूर्य पे जो होता है, ये यहाँ पे हम कुछ चीज़ें रफ करते हैं या ठीक है, हम यहाँ पे क्लियर किए दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये यहाँ पे आपके सूरज भगवान हैं, ये आपके सूर्य भगवान हैं, और यहाँ से ये चमक रहे हैं। तो ये क्या होता है कि विषुवत रेखा पे इनकी जो होगी रेखा वो तिरछी पड़ेगी, यानी कि विषुवत रेखा पे सूर्य की किरणें से तिरछी पड़ेंगी, इसलिए यहाँ का तापमान बहुत अधिक पाया जाता है। अब जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। तो यहाँ पे जो रेखाएं हैं यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे उच्च तापमान होता है। तो क्या विषुवत रेखा की क्या विशेषता होगी? उच्च तापमान की होगी, और दैनिक तापांतर एकदम कम होगा, यानी कि रात में भी गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और दिन में, इसलिए जो तापांतर होगा वो कम होगा। जैसे ही जैसे आप विषुवत रेखा से आगे बढ़ेंगे, चाहे आप उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ें चाहे आप दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ें, अब आप यहां से इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो गई, सूर्य की किरणें अब तिरछी हो गई। अब तिरछी होने से क्या होता है कि जब किरणें सीधे पड़ती हैं तो अधिक गर्मी होती है, और जब किरणें जो है टेढ़ी पड़ती हैं यानी कि तिरछी पड़ती हैं तो यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है। यानी जब किरणें तिरछी पड़ेंगी तो वहाँ पे गर्मी के कम आभास होगा, इसलिए वहाँ पे क्या होगा कि तापमान कम पाया जाएगा, यानी कि दिन और तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे तापांतर भी अधिक पाया जाएगा। सबसे कम तापमान यहाँ पे सूर्य में, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में ऐसी अवस्थिति होती है कि यहाँ पे 6 माह दिन वह 6 माह लगातार रात होती, यही स्थिति दक्षिणी ध्रुव की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे, इसको हम अलग साइकिल में बताएंगे बाद में, जब हम बात करेंगे सूर्य के जो यहाँ पे
तो हम वहाँ पे बात करेंगे कि वहाँ पे कैसे ये होता है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए इतनी ही काम की चीज़ें हैं जो ध्रुवों में हैं। अब यहाँ पे हम आपको बात बता दें कि जो इसको आप विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है। यहाँ पे दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विषुवत रेखा पे दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा, दिन रात बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पे दिन रात आप सभी के लिए बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका, और एक चीज़ हम बता दें कि जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है। जैसे ही आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, जी का मान बढ़ता जाएगा। जी का मान सबसे कम होता है। जैसे ही आप इधर बढ़ेंगे या इधर बढ़ेंगे, जी का मान जो है बढ़ता जाएगा। ये चीज़ हो गई। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें जो कि आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जो कि परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है। उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो विषुवत रेखा की बात करते हैं, यहाँ से पूछ लेता है परीक्षा में, तो यहाँ पे विक्टोरिया झील जो है वो विषुवत रेखा जो है विक्टोरिया झील से गुजरती है। नोट कर लीजिए, विक्टोरिया झील जो है विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। इसमें हम कुछ ज़्यादा नोट इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। और ये जो है विषुवत रेखा अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका द्वीप महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर आपकी ये गुजरती है आपको। और कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को दो बार काटती है। परीक्षा में पूछ लेता है, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती, कांगो नदी दो बार काटती है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो ये विषुवत रेखा से संबंधित कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हो गए हैं। अब हम इसको रफ करते हैं। विषुवत रेखा में आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब बढ़ेंगे हम मकर रेखा में। तो मकर रेखा में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा को माही नदी दो बार काटती है, सॉरी, कर्क रेखा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, माही नदी दो बार काटती है। यह जो है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से होकर गुजरती है। आप सभी को पता है कि भारत में ये किन राज्यों से होकर गुजरती है? आठ राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़ी त्रिखाना ने आपको दी थी। भारत का भूगोल यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसको जरूर देख लीजिए। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया से होकर गुजरती है। तो ये हमारी जो है यहाँ पे कर्क रेखा की बात हो गई। कर्क रेखा पे बहुत कुछ खास चीज़ नहीं है। यहाँ पे मिस्र की जो नासिर झील है इसके ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। नासिर झील, मिस्र की नासिर झील, नासिर झील से गुजरती है। तो ये हमारा हो गया जो कर्क रेखा के बारे में जो बेसिक फैक्ट थे ये हमने देख लिए हैं। यहाँ पे मकर रेखा की आप बात करते हैं तो मकर रेखा के बारे में बहुत कुछ फैक्ट नहीं है, लेकिन यह दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये तो दक्षिणी अमेरिका के बाद अगर हम आगे बात कर लें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, महाद्वीप से गुजरती है।
नोट कर लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया है, आर्कटिक वृत्त को कभी कभी सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सॉरी अंटार्कटिक वृत्त को सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर जो है बर्फ जमी होती है, इसलिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पे मानव निवास नहीं करता है, अधिवास सिर्फ यहाँ पे रिसर्च से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो ये आपके लिए रही हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम बात करते हैं अश्व अक्षांश, जो परीक्षा में पूछ लेता है। तो अश्व अक्षांश की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे अश्व अक्षांश जो है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश, आपको हमने यहाँ पे देख लिया है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश पे क्या होता था कि जो वहाँ पे जो क्षेत्र होता है वो अनियमित होता है, यानी कि वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मध्य पेटियाँ जो 30 से 35 डिग्री के मध्य जो पेटियाँ पाई जाती हैं उसे हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो कहाँ से ये हमारा 23 डिग्री हो गया, आपको तो यहाँ पे पता है कि ये 30 से 35 डिग्री यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति होगी, इसी प्रकार से यहाँ भी 30 से 35 डिग्री के बीच कुछ ऐसी स्थिति होगी। तो अश्व अक्षांश परीक्षा में पूछता है अश्व अक्षांश, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश में 30 से 35 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश में ये पाया जाता है, दक्षिणी अक्षांश में ये अवस्थिति होती है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि अश्व अक्षांश जो है 30 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश इसकी अवस्थिति होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी होती है, क्या होती है परीक्षा में पूछ लेता है, उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी पाई जाती है, उपोष्ण उच्च वायु दाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी दोनों ध्रुवों में पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे वायुमंडल में स्थिरता और पवन संचार क्या होता है अत्यंत मंद होता है। तो वायुमंडल में क्या होती है यहाँ पे अस्थिरता होती है, वायुमंडल में अस्थिरता तथा मंद वायु गति होती है। अब यहाँ पे अगर हम आगे आपसे बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी अगर आप बात करेंगे तो वायुमंडल में अस्थिरता, देखिए किसी भी वायुमंडल में अगर अस्थिरता है जिसके बारे में आपको बहुत कुछ नहीं पता है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यदि आप वहाँ से गुजरते हैं तो कुछ भी स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार जब प्राचीन काल में यहाँ से जब घोड़ों से लदी हुई जब नावें गुजरती थी तो क्या होता था कि जब इस क्षेत्र में यानी कि अश्व अक्षांश में 30 से 35 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश में जब ये पहुँचती थी तो अचानक इनकी जहाज़ों में जो है भारीपन या अस्थिरता उत्पन्न हो जाता था। अस्थिरता उत्पन्न होने के कारण ये अपनी नाव डूबने से बचाने के लिए क्या करते थे, उसमें से कुछ घोड़ों को क्या होता था समुद्र में फेंक देते थे, जिससे नाव क्या हो जाती थी वो हल्की हो जाती और सामान्य रूप से चलने लगती थी। इसीलिए ऐसा ही होने के कारण इसी प्रकार से अश्व जो है समुद्र में फेंकने के कारण महासागर में फेंकने के कारण इसे अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे उपोष्ण उच्च दाब उच्च वायुदाब पाया जाता है तथा वायुमंडल में अस्थिरता पाई जाती है, इसलिए इसको आप अश्व अक्षांश कहते हैं। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, हमारी उम्मीद है कि आपको विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा तथा अंटार्कटिक रेखा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखा, तो यहां पे अब हम देशांतर रेखाएं देखते हैं। अभी तक हमने अक्षांश रेखाओं की पूरी डिटेल देख ली है, अब देशांतर रेखाएं हम देखते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में आप बात करें तो अक्षांश रेखाएं जो क्षैतिज होती थी, वहीं जो देशांतर रेखाएं हैं वो ऊर्ध्वाधर होती हैं। जैसे कि हम आपको यहां से समझाते हैं, एक पृथ्वी बनाने के बाद, पृथ्वी आपको पता है हमारी कैसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी हमारी कुछ ऐसी है, यानी कि पृथ्वी जो है
आप कह सकते हैं जियोआइड है, यानी कि आप यहाँ पे जो ध्रुवों पे है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे चपटी हुई है तथा ये विषुवत रेखा पे उभरी हुई है, इसे आप समझ सकते हैं। अक्षांश रेखाएं की बात करें तो ये हमारी जो हैं क्षैतिज थी, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं ये हमारी ऊर्ध्वाधर होंगी। ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब है? अब ये जो थ्री डायमेंशनल चित्र यहाँ पे हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या हो है, गोल, एक तरह से आप गोल समझ सकते हैं, गोल है। तो आप गोल चीज के वो चारों तरफ आप घुमाएंगे तो एक जैसी स्थिति मिलेगी। तो यहाँ पे ठीक पृथ्वी है। अब जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है? ऊर्ध्वाधर है। तो ये एक ऐसे रेखा हमारी बनेगी, अब कुछ इसी प्रकार से हमारी रेखाएं बनेंगी, ऐसे बनेंगी। यहाँ पे एक बिंदु हो जाता है और यहाँ पे भी एक बिंदु हो जाता है। ये देखिए, ये हमारी जो है कुछ इस प्रकार से हमारी रेखाएं कौन सी हैं, ये सारी एक ही बिंदु पे आके मिलेंगी, क्योंकि ये एक ही बिंदु है। तो इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं चीज़ों को आपसे क्लियर कराने के लिए। ये देखिए, ये हमारी क्या हो गई? देशांतर रेखाएं हो गई। अब देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? देशांतर रेखाएं, अब देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करते हैं, तो क्षैतिज रेखा हमने कहा था, यानी कि जब हम अक्षांश रेखाएँ देख रहे थे तो विषुवत रेखा के समांतर खींची गई रेखाएँ क्या कहलाती हैं? यहाँ पे अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से जो ग्रीनविच रेखा है, जो कि समय मापक रेखा है, उसी के जो समानांतर अन्य रेखाएं हैं, यानी कि याम्योत्तर रेखाएं, उसके जो समानांतर जो खींची गई रेखाएं हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। अब देशांतर रेखाओं का वास्तव में काम क्या है? देशांतर रेखाएँ हमें समय को बाँटती हैं। जैसे कुल पृथ्वी जो है वो हमारी है, कुल पृथ्वी 24 घंटे, आपको सभी को पता है कि 24 घंटे समय हैं। इन 24 घंटे में देखिए, कोई भी स्थान पे कहीं पे सूरज आगे पीछे निकलता है, उन सबको चीज़ों को हम पूरे विश्व को एक जैसे सेटल एक समय मान के लिए कैसे रख सकते हैं? हालांकि सबका समय जोन अलग होता है, लेकिन उससे आप सटीक लगा सकते हैं कि यहाँ पे इतने बजे हैं तो इस देश में कितने बजे होंगे, एकदम क्लियरली आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, प्रधान याम्योत्तर रेखा, ये जो बीचों बीच रेखा है जिसे आप ये कह सकते हैं, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये प्रधान याम्योत्तर रेखा हो जाएगी, यानी कि ये आपकी 0 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री, अब इससे जो है विभिन्न यहाँ से अब इसी के समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी, यानी कि ये हमारे जो हैं सारे समय कटिबंध हो जाएंगे। अब इन सब की यहाँ से प्रधान याम्योत्तर से रेखी खींची गई, प्रधान याम्योत्तर से खींची गई कोई भी पूर्व या पश्चिम की ओर चाहे आप इधर चलें, इधर हमारा प्लस समय होता है, इधर माइनस होता है। यानी कि जैसे आप ये पूर्व हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, पूर्व पश्चिम। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि इधर आप चलेंगे तो आपका समय जोन होगा वो प्लस में होगा, और इधर जो आप चलेंगे तो ये समय जोन आपका माइनस होगा। यानी कि भारत में आप कहते हैं कि 5.5 घंटा जो है प्लस 5.5 घंटा जो आता है वो समय जोन है। इसका मतलब ये है कि इस 0 डिग्री से आप का जो समय है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो भारत में वो 5:30 बजेंगे। तो यही प्रकार से, इसी प्रकार से आप इधर पश्चिम की ओर 5:30 में माइनस 5:30 जाएंगे तो यहाँ पे 12 बजे हैं, तो यहाँ पे कितने बजेंगे? तो 6:30 बजेंगे। तो इस प्रकार से आपका समय का निर्धारण कैसे होता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी पूरी चीज़ें। अब समय जो प्रधान याम्योत्तर रेखाएं हैं वो जो पूरी पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है, पूर्व तथा पश्चिम में, जिस प्रकार से अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तर तथा दक्षिण के रूप में 2 भागों में बांटती थी, उसी प्रकार से हमारी प्रधान याम्योत्तर रेखाएं भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, किसमें?
पूर्व में तथा पश्चिम में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे जो दूरी है विषुवत रेखा पे, ये जो दूरी है यहाँ पे मैक्सिमम होती है, कितनी होती है 111.32 किलोमीटर। यहाँ पे 111.32 किलोमीटर है विषुवत रेखा पे, लेकिन जैसे ही आप ऊपर या नीचे बढ़ेंगे, यानी कि ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, या आप नीचे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, यानी कि सभी रेखाएं एक जगह आके ये बिंदु के रूप में ले लेगा। इसी प्रकार से कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में यामोत्तर रेखाओं की कोई दूरी नहीं है, यानी कि ये एक बिंदु के रूप में हो जाता है। अब ये 0 डिग्री है, आप सभी को हमने बता दिया कि ये 0 डिग्री है। ये इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा, क्योंकि जो इंग्लैंड में एक ग्रीनविच जो है एक रिसर्च सेंटर है, उसको जो है वेधशाला है, ये वेधशाला के नाम पे है, इसका नाम वेधशाला से, इसी वेधशाला से होकर गुजरती है ये रेखा, इसलिए इनका जो नाम है वो ग्रीनविच रेखा रखा गया। वेधशाला से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। अब हम बता दें कि इसमें समय का निर्धारण कैसे होता है, इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री है, यानी कि आप यहाँ से चलेंगे और पीछे लेंगे इसका हिस्सा, और यहाँ से चलेंगे यानी 180 डिग्री ये और 180 डिग्री वो, तो कुल मिला के 360 डिग्री पृथ्वी। गोलाई में आप चलेंगे किसी भी चीज़ का गोला, तो पूरा जब घूम जाएंगे तो 360 डिग्री होता है, यानी कि पश्चिम से जो पूर्व की देशांतर रेखाएँ होंगी उसमें 360 डिग्री होगा, यानी कि 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है आपको याद रखना है। यहां पे हम नोट की दे रहे हैं, 24 घंटे में 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, घूमती है, पृथ्वी की बात कर रहा हूं। अब यहां पे आप करेंगे तो आपको ये 24 घंटे हैं, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा, एक घंटे में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कितने डिग्री घूमेगी, 360 भागे अगर आप 24 कर देते हैं तो यहाँ एक घंटे में निकल आएगा कि कितने, एक घंटे में कितना होगा। तो अगर आप 24 में 360 का भाग देंगे तो यहाँ पे आपका जो कटने के बाद 15 डिग्री बचेगा, 15 डिग्री यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री जो है सेल्सियस नहीं होगा, 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। अब आप सभी को पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो एक डिग्री घूमने के लिए कितना होगा, यानी कि 60 मिनट का समय लेगी, तो ये 15 डिग्री 60 मिनट में घूमेगी, तो एक डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट, यानी कि एक डिग्री घूमने के लिए ये जो रेखा है यहाँ पे, ये प्रत्येक डिग्री में एक रेखा बनाई गई है, एक रेखा पार करने के लिए आपको 4 मिनट का समय लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप भारत की बात करेंगे, 5.5 घंटा है, यानी कि 82.5 डिग्री भारत का जो है वो है, वहाँ से आप 4 मिनट से गुणा करेंगे तो 5.5 घंटा एग्जैक्टली समय निकल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखिए आप कैसे इसको देख सकते हैं, भारत की हमने बात कर रही है, भारत में 5.5 घंटे यानी कि 4 मिनट, चार मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमती है, तो भारत का हम कहते हैं कि 82.5 डिग्री है। अब 82.5 से आप 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4×5=20 हो जाएगा, 4×2=8 और 2 वो तो 8×2=10 हो जाएगा यानी कि 0, और 4×8=32 हो जाएगा, और 1×33 330 मिनट हो रहे हैं। अब 330 मिनट को एक घंटे में 60 मिनट होंगे तो 330 मिनट यानी कि 6×5=30 यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट। तो ये भारत का कितना है, सप्लस 5.5 घंटे है 82.5 डिग्री के साथ। इसी प्रकार से आप बता सकते हैं, अगर आपको कोई बता दे कि कोई भी देश या कोई भी स्थान कितने डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री पे है, यानी कि 82 डिग्री किस जो है समय किस अक्षांश पे है, किस देशांतर पे है, 82.5 डिग्री है, 5.5 घंटे, जितना भी डिग्री हो, अगर 40 कह दे तो आप सीधा क्या करेंगे उसमें किससे गुणा कर देंगे,
60 से गुणा कर देंगे, यानी कि एक डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लेता है, यानी कि 40 अगर वहाँ पे होता है तो 4 से आप गुणा कर देंगे, 30 होता है, 30 से आप गुणा कर देंगे, तो वहाँ का जो समय स्थान है आप निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये होता है, पृथ्वी आप सभी को पता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो पश्चिम की ओर जब घूमती है तो क्या होता है कि पश्चिम की ओर घूमने से, पश्चिम की ओर जब घूमती है तो 4 मिनट कम होता है, और जब पश्चिम की ओर घूमेगी 4 मिनट कम होगा, यानी कि इधर 4 मिनट क्या होगा, बढ़ेगा। इसी लिए इसको क्या होता है, जब ये पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं तो पश्चिम की तरफ जब आप जाएंगे तो ये 4 मिनट घटेगी, जब पूर्व की ओर आएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा एक डिग्री पे। तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, प्रधान यामोत्तर रेखा ग्रीनविच रेखा की बात हमने की है। आपको बेसिक यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसमें दोनों में डिस्टेंस भी पूछ लेता है, ध्रुव पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे कितना रहेगी, ये यहाँ पे जो विषुवत रेखा पे इसकी सर्वाधिक दूरी कितनी है, 111.32 किलोमीटर होगी। अब हम बात करते हैं घाना की राजधानी जो है आगरा है, वो इसी पे किस पे, प्रधान यामोत्तर रेखा पे है, इसलिए पूछ लेता है परीक्षा में कि विश्व की कौन से देश की राजधानी है जो कि विषुवत रेखा पे है, सॉरी प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा पे है, तो घाना की राजधानी, घाना की राजधानी आगरा जो है, आगरा ग्रीनविच रेखा पे है, ग्रीनविच रेखा पे है, पर है। तो ये आपका, ये यहाँ से कुछ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए हैं, जो यहाँ पे आप, हम बता दें कि घाना में एक घाना की सबसे बड़ी झील है वोल्टा है, वो भी वो उसको जो है प्रधान यामोत्तर रेखा काटती है, यानी कि घाना की सबसे बड़ी झील जो है, सबसे बड़ी झील जो है वोल्टा को प्रधान यामोत्तर रेखा काटती है, वोल्टा झील को काटती है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता झील को काटती है, परीक्षा में पूछ लेगा तो आपको कैसे करना है। ये सारे जितने भी चीज़ें हम करा रहे हैं वो आपको इम्पोर्टेंट करा रहे हैं, आपको कुछ नहीं रखना है, आपको याद नहीं रखना है, बस इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो आप हमेशा के लिए इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं में आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, और कोई भी आपको कोई भी यहाँ पर देशांतर बता सकता है, अगर बता देगा तो आप उसको फटाक से इतने समय जोन पर है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये है, अब एकमात्र जो जल संधि यानी कि बेरिंग जो जल डमरू मग्ध है वो सबसे नजदीक किसके है, प्रधान यामोत्तर रेखा के है, पूछ लेता है, चार ऑप्शन दे दे, ये आईएएस 2008 का प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू मग्ध जो है प्रधान यामोत्तर रेखा के सबसे नजदीक है, तो नोट कर लीजिए कि बेरिंग जल डमरू मग्ध जो है वो प्रधान यामोत्तर रेखा के सबसे नजदीक है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट अक्षांश और देशांतर से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछता है ये वीडियो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।